पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। ये आसन आपकी आंतों यानी इंटेस्टाइन से वायु या वात निकालने में उपयोगी है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों और हाथों को आरामदायक दूरी में फैलाकर जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी हथेलियों का मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब शवासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को जोड़ें और अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को अपनी छाती के पास लाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथें और घुटनों के नीचे अपनी पिंडलियों के पास पकड़ें। अब सांस छोड़ते हुए अपने सर और कंधों को तब तक उठाएं जब तक कि आपकी ठोड़ी घुटनों को छू ना ले। ऐसा करते समय आपको आपके कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। अपनी आंखें बंद रखें और अपने कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। पवन मुक्तासन आपको वात से राहत दिलाता है और उदर की वायु को कम करता है। ये आसन आपको कब्ज से मुक्त करता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। पवन मुक्तासन आपकी मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को ठीक करता है। ये आसन आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। पवन मुक्तासन गहरा आंतरिक दबाव डालकर आपके कूल्हे और कटी प्रदेश की मांसपेशियों, अस्थि बंधन यानी लिगामेंट्स और स्नायु यानी टेंडन्स की जटिल समस्याओं से निदान कर उनमें कसावट लाता है। यदि आपको पीठ दर्द हो या पेट में चोट आई हो तो कृपया ये आसन ना करें। हर्निया और सायटिका के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को गर्भावस्था में ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस लेते हुए अपने सर और कंधों को पुनः जमीन पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी टांगों को सीधा करें और जमीन पर रख पुनः शवासन की मुद्रा में आकर विश्राम करें। पवन मुक्तासन आपके रक्त संचारण को बढ़ाकर आपकी नसों को उत्तेजित करता है और आपके आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता में वृद्धि लाता है। Thank you for watching the video. Subscribe, like, share and comment for more videos. Stay safe and stay connected.